सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया वो जीवन को भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और वाणी संबंध खराब करती है। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। आज का पंचांग 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:06 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 11:48 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 5:28 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार, आज के दिन बदलाव के नाम रहेगा। आपकी मुलाकात ऐसे किसी आदमी से हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का या तो खुद कारण बनेगा या बदलाव लाने वाले लोगों से मुलाकात का माध्यम बनेगा। हालांकि सभी बदलाव आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। इससे पहले कि आप बदलाव को स्वीकार कर आगे बढ़ें, आपको यह भी देखना होगा कि क्या यह बदलाव आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित होंगे। आपका अपने व्यक्तित्व और रहन सहन के लिए अधिक सजग रहना होगा। लोगों के बीच आकर्षण बनेगा। समाज में आपकी छवि और अधिक निखरेगी। अपनी कार्य प्रणाली व्यवस्थित बनाए रखने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना आपके समय की बचत करेगा। लालच की वजह से आप व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज करेंगे। अपने अहंकार को काबू में रखें। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने की जिद न करें। लोगों के आपके प्रति बन रही राय से तनाव बढ़ेगा। आप अपना नजरिया सुधारें। काम संबंधित कॉन्ट्रैक्ट पर ठीक से ध्यान दें। नियम और तय की गई बातों पर ठीक से पालन करें। पार्टनर से मिले साथ की वजह से कठिन समस्या जल्द ही दूर होगी। शरीर में बढ़ रही गर्मी के कारण सेहत बिगड़ सकती है, ख्याल रखें। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपकी सेहत थोड़ी कमजोर रहेगी। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सावधानियां, अनावश्यक खर्चों पर काबू करें। इस समय आय के अपेक्षा व्यय की स्थिति ज्यादा रहेगी। अत्यधिक क्रोध व जल्दबाजी से आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं, इसीलिए अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में बेहतर सामंजस्य रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से मधुर यादें ताजा होगी। आप किसी भी संबंध के भावनात्मक पक्ष से अधिक जुड़े रहते हैं और इसीलिए यह नहीं समझ पा रही हैं कि संबंध बहुआयामी होता है। आपको गोल चक्करों में घूमना है जो अपने आप में मजेदार तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भरी भी है। आपको किसी ऐसे के करीब आने का मौका मिलेगा जिसके आप लंबे समय से प्रशंसक हैं। आप उसके साथ बहुत खुशी महसूस करेंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्यायसंगत निर्णय लें ताकि आप बेहतर नीतियां बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपनी व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने में ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों और संपर्क सूत्रों में सुधार होगा। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। बात करते हैं सेहत की।
किसी भी प्रकार की चिंता न करें, लेकिन लापरवाही बरतना उचित नहीं है। आज इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ेगा और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जैसे माइग्रेन या अधिक टेंशन का सामना अकारण पड़ सकता है। सबसे अच्छा उपाय दिन की शुरुआत एक्सरसाइज योग या ध्यान से करना रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से शांति और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तनाव को अपनी मानसिक शांति को भंग न करने दें, फिर आपका दिन कहीं अधिक सफल होगा। आज का उपाय, आज पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।